यू ऑल आर वेल। सो आज के वीडियो में हम खाने वाले हैं कुछ बियर एंड जो रामिन हैक्स जितने भी टिकटॉक पे वायरल हुए थे। सो मैंने बहुत टाइम से लिख के रखे हुए थे जितने भी टिकटॉक वायरल रामिन हैक्स थे। इट्स गोना बी 24 आवर चैलेंज, सो मैं वो सब पूरे दिन थ्रू आउट द होल डे खाऊंगी, माई ब्रेकफास्ट, लंच, स्नैक्स एंड डिनर। ओके, सो फॉर ब्रेकफास्ट मैं खाने वाली हूँ केचप रामिन हैक। तो वो बेसिकली इतना सिंपल है ना, जस्ट आप अपने रामिन कुक करो जैसे भी आप कुक करते हो, एंड देन उसमें केचप मिला के, आई थिंक उसने बहुत सारा केचप मिलाया था, तो लाइक बहुत सारा केचप मिला के एंड देन वी हैव टू इट। सो आई एम नॉट प्रीटी श्योर अबाउट दिस केचप बिकॉज रामिन का टेस्ट अच्छा आता है कि अगर आप खुद से खाओ तो रामिन टेस्ट गुड, बट अगर रामिन में आप केचप मिलाओगे सो आई एम नॉट प्रीटी श्योर। सो लेट्स ट्राई दैट हैक फर्स्ट फॉर द ब्रेकफास्ट। And for that hack, I'm gonna use this one, this noodle right here. So I have 3 types of ramen on me. So I'll see किस hack के साथ कौन सा जाएगा. So उस hack के लिए मैं ये वाला use करने वाली हूँ. So I'm gonna cook my ramen as it is, जैसे भी हम बनाते हैं, and then we're gonna add ketchup. So my ramen is all ready. अब इसमें खूब सारा ketchup डालते हैं. I think इतना enough होगा. Now mix, mix, mix. तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है, इसमें से बहुत केचप की स्मेल आ रही है। ओके, लेट्स ट्राई। हियर गोस माय फर्स्ट बाइट ऑफ द डे। मेरे दिन की शुरुआत इतनी गंदी हैक से हुई है ना, ओह माय गॉड, ये बहुत ही घटिया है, बहुत ही ज्यादा घटिया। आई डोंट नो, जितने भी मैंने वीडियोस देखी थी वो सब ऐसे कह रहे थे बहुत अच्छा है, बहुत यमी लग रहा है, बहुत यमी लग रहा है, बट इफ यू लाइक केचप मे बी यू कैन ईट इट, बट मैं नहीं खाने वाली इसको। नो, आई एम नॉट गोना फिनिश दिस, बट मुझे भूख लग रही है तो ब्रेकफास्ट में कुछ तो खाना पड़ेगा। So let's try second hack. So in this hack, first we have to add butter. So इसको अच्छे से melt होने देना है। फिर जब ये melt हो जाएगा then हम add करेंगे garlic. Then we will add milk. ज़्यादा हो गई है। We'll add a lot of shredded cheese. Ramen. तो ब्रेकफास्ट के लिए जो दूसरा एक रेडी हो चुका है, सो लेट्स सी ये कैसा टेस्ट करेगा। आई होप ये अच्छा टेस्ट करे, मुझे बहुत भूख लगी है। दिस वन इज वेरी नाइस बिकॉज में बहुत सारा चीज है, एंड देन मिल्क और वो चिली फ्लेक्स। दिस वन टेस्ट गुड, यू नीड दिस वन बिकॉज दिस वन एक्चुअली रियली टेस्ट गुड। सो थैंक गॉड कोई एक हैक तो काम किया मेरे ब्रेकफास्ट के लिए। ओके, सो अभी हो गया लंच टाइम, और लंच टाइम के लिए जो मैंने हैक सोचा है वो बहुत ही ज्यादा सिंपल है, उसमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। सो ऑल यू नीड इज शिन रामिन, और शिन रामिन को जस्ट मिल्क में कुक करना है इंस्टेड ऑफ वाटर। Okay, so it's all good. It looks like this. ये ऐसे दिख रहा है कि जैसे इसमें मैंने बहुत सारा चीज डाला हो, क्योंकि वो दूध उबल उबल के ना बिल्कुल ऐसा हो गया है, क्रीमी सा। So let's try. To be honest, जिसका स्पाइसीनेस है ना दूध में बनाने की तरह, इसकी स्पाइसीनेस बिल्कुल खत्म ही हो गया है। सो जितना शिन रामिन स्पाइसी है ना जब हम पानी में कुक करते हैं, तो इसका स्पाइसीनेस उतना नहीं आ रहा है दूध में डालने के बाद। और इट्स नाइस, इट टेस्ट नाइस, मतलब इतना बुरा भी नहीं है बट इतना अच्छा भी नहीं है। तो अभी बज रहे हैं शाम के 5:30, और मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा स्नैक्स खाने का। उस सुबह से मैंने इतने रामिन खा लिया बट स्टिल आई एम हंग्री। ओके, सो उस हैक के लिए भी हम ये शिन रामिन यूज करने वाले हैं। तो जो ये हैक है ये तो बहुत सिंपल है, जो भी शिन रामिन के अंदर ये दोनों आते हैं जस्ट ये ऐड करना है, उसके बाद ऐड करना है ये कोरियन चिली पेपर। अगर कोरियन चिली पेपर नहीं थी ऐसे इट्स फाइन, आप चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हो लिटिल बिट ऑफ दिस। के बाद ऐड करना है थोड़े से सेसमे सीड। ओह माय गॉड,
इट्स बर्निंग। उसमें नूडल्स डाल के मेक। ओके तो ये हो गया बनके तैयार हमारा स्नैक। लेट्स ट्राई। इसमें से ना तेल का मतलब खुशबू बदबू आई डोंट नो, मतलब बहुत ज्यादा तेल की स्मेल आ रही है। आई डोंट नो मैंने इतना गर्म भी किया है, इससे ज्यादा तो क्या ही गर्म करती। इट्स ओके बट आई थिंक थोड़ा सा तेल और ज्यादा गर्म करना चाहिए था, देन उसमें से स्मेल नहीं आती, बट इट्स स्टिल यम्मी। आई एम स्टिल गोना फिनिश दिस। तो अब है डिनर टाइम, यहाँ पे बज रहे हैं रात के 9:30। तो अब मैं सोच रही हूँ कि अब जो पूरे डे का लास्ट हैक, जो सबसे बेस्ट हैक है, वो ट्राई करते हैं। उसका तो मैं सुबह से इंतजार कर रही थी कि वो हैक करूँ खाऊँ, क्योंकि वो दिखने में इतना यम्मी और चीजी लग रहा था ना जब मैंने वो हैक देखा था टिकटॉक पे। सो इट्स सो गुड। सो अब हम वो करने वाले हैं। सो अगेन उसके लिए मैं ये शिमला रामेन यूज करने वाली हूँ। एंड लेट्स कुक द रामेन फर्स्ट। And little bit of sugar, not too. Already मैंने ये रामेन कुक करके रखे हैं, so जब ये अच्छे से पूरा मेल्ट हो जाए मिक्सर, you have to just take it and put it on top. That's it. As oh my god, निकल जा भाई। Wow, कितना चीजी चीजी बन गया। It's so cheesy and yummy. आई थिंक ये वाला जो हैक है ना, ये मेरा अब तक का सबसे बेस्ट और फेवरेट हैक है पूरे दिन में जितने भी मैंने हैक ट्राई किया है, क्योंकि इसमें लाइक कुछ ज़्यादा डालने की जरूरत भी नहीं पड़ी। इट वॉज सो ईजी। और जब ये बना ना तो उसको मिक्स करके चीज़ इतना अच्छा टेस्ट आ रहा है ना, और जो स्वीट कॉर्न और स्पाइसीनेस का जो टेस्ट है, इट्स सो गुड। सो आई थिंक दिस इज़ माई फेवरेट हैक ऑफ द डे।